साहब नमस्कार. नमस्कार. आपने सुना ही होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी आज बहुत बड़ा परिवर्तन मैं करने जा रहा हूँ. ओह. इसलिए मैं इन पेशेंट्स का चेकअप वगैरह कर रहा हूँ. ओहो. चलिए नाखून दिखाइए अपने. ये तुम्हारे बाप का बिजनेस है जिसको बढ़ा रहे हो तुम. क्या हालत है सिद्धू साहब. मैंने इस हॉस्पिटल में दो दो नर्सें रखी हुई हैं, किसी काम की नहीं. I have a tough life, you see. I am not a doctor, I am an institution. But my life is very tough. मैं अपने नर्स को बुलाता हूँ. लॉटरी. ए लॉटरी. डॉक्टर साहब. ओ हेलो. डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब. हेलो. आपने मुझे कल बुलाया था ना, तो मैं कल मीटिंग में था. तो मैंने कहा आज मिलके आता हूँ फिर. नहीं वो तो ठीक है कपू शर्मा, मैं तुम्हें कपू कपू बुलाता हूँ, कभी आते नहीं. लॉटरी कहता हूँ तुम एक सेकंड में आ जाते हो. हैं ये कैसे भाई. अपनी गाड़ी के नाम की अनाउंसमेंट होती है, आदमी पटरी झाग ही लेता है. लॉटरी. आपने मुझे बुलाया. नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे नाम का जयकारा लगा रहा था. मैंने थोड़ी बुलाया था. डैम शराज की डैम. मैंने तेरे को बुलाया इधर. ये देखो ये कौन है. ये तो हमारा पेशेंट है. वेरी गुड. ये तो मेरे को नई चीज बताई. हमारा पेशेंट है. मैं पूछ रहा हूँ ये इतने मैले क्यों हैं? कूड़ा फेंक गया हो जैसे लग रहा है, जैसे इनके ऊपर कोई. तो आपके मुंह के हिसाब से आएंगे ना पेशेंट भी. इतना गंदा हॉस्पिटल आपको पता है. सुअर भी जाते हैं ना तो नाक पर माल रख के लेके जाते हैं, इतने गंदे. Excuse me. तुम यहाँ पे खड़े होकर मेरी बेइज्जती सुन रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? जाओ एक दूसरे की डस्टिंग शुरू करो अंदर जाके. Go inside. डॉक्टर साहब हमारा जो पेशेंट है हमेशा ऐसे गंदे होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? हमेशा नहीं, इम्पोर्टेंट है आज. यू सी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है सिद्धू साहब, क्योंकि आज मेरे डॉक्टरी की सालगिरह है. मुझे डॉक्टर बने हुए 21 साल हो गए हैं. झूठ बोले डॉक्टर साहब. आपको पागल खाने से छूटे हुए 21 साल हुए आपको. नहीं नहीं वो तो 21 साल एक दिन हो गया यार. डॉक्टरी मैंने अगले दिन शुरू की थी. ओ लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि आप पागल खाने में थे. कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ. एक्चुअली जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मेरी वाइफ भाग गए थे पता है, और मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका. Oh, how sweet. आप इतना प्यार करते थे. प्यार नहीं करता था. शादी हुई मैं खुशी के मारे ना हंसने लग गया. 104 घंटे तक हंसता रहा. लोग कहते कहीं मैं पागल हो गया. कोई सदमा लगा पाजी, ये खानदानी पागल है. इसके पिताजी इतने बड़े पागल थे, ऐसा बेटा पैदा कर दिया. ऐसे बच्चे पैदा करता कोई? नहीं करता. मेरे पिताजी करते हैं. इसके पिताजी इतना हंसे बाद में इनके पिताजी को जेल हुई पता. वो कहते हैं अगर ये आदमी बाहर रहा तो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता रहेगा. वेरी गुड. मेरे पिताजी की सारी बातें पता, सारे खानदान का लेखा जोखा है ना इनके पास हमारे. अच्छा मेरे पिताजी कब पैदा हुए थे, जब ये पैदा नहीं हुए थे उसका भी पता है. देखो वेरी नाइस. पता है मेरे को मेरे दादाजी क्या करते थे भाई. हमको दादाजी आपके आपकी दादी को तंग करते थे. हेलो इंटरव्यू मेरी बात सुनो. मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ. मैंने ना इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों का इंक्रीमेंट किया है, पता तुमको? अरे इंक्रीमेंट नहीं ट्रीटमेंट होते. मैंने तुम्हारी हिंदी में कभी टोका? मेरी इंग्लिश में टांगा डाल रही हो तुम. देखो कपिल तुमने आज बड़ा सूट वगैरह पहना हुआ है. मेरी पार्टी का फंक्शन है तो मैं कहता हूँ तुम एंकरिंग कर लो. मुझे क्या मिलेगा? मैं ये जो मलाई कोफ्ता है ना, जितना मर्जी खाना दूसरे की प्लेट से, कोई नहीं रोकेगा तुम. मैं खाता ही नहीं आजकल मलाई कोफ्ता. मेरी फिल्म आ रही है, मैं वेट कम कर रहा हूँ. ये बाजी ये मेरे को पनीर खिलाएंगे. परसों एक मेहमान आया उसकी चप्पल नहीं मिल रही. कहते मेरी चप्पल कहाँ है? कहते काट के तुम्हें खिलाया तो है मटर पनीर. ये चप्पल काट के पनीर खिला देते ऐसे घटिया लोग. सिद्धू साहब दो सीटियां लगवा दो ज्यादा ना, चप्पल पनीर से भी सॉफ्ट हो जाती है. मैं बहुत इंजॉय सेम लगता है जैसे पनीर खा रहे हो. ओहो आप कर लो ना प्लीज. तो ना छोटा सा काम. मैं कह रहा तुम कह रही थे मैं कर लेता. हेलो तुमको मैंने नर्स रखा हुआ है ना, है ना? तो इधर रहो तुम जरा सा.
मुझे तो कुछ नहीं रखा होगा ना, मैं तो उधर जा सकता हूँ। नहीं, तुमको भी रखा है ना, तुम होस्टिंग कर रहे हो, तुम अपनी होस्टिंग की तैयारी करो, मैं अपनी तैयारी करता हूँ। सिद्ध साहब, आज मैंने ऐसा परिवर्तन किया है ना, आप देख लेना, आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। उनकी आंखें तो अभी भी खुली हैं। अच्छा, जो बड़े बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं वो वेस्ट कर दे, हम यूज ना कर रहे हैं उनको हर चीज में। ये क्या लगाया अपने बालों में? परिवर्तन है ना, तो थोड़ा स्टाइल चल रहा है मेरा। भाई डॉक्टर साहब तो बकवास कर रहे हैं, अगर सच में आज कोई 21 साल का हुआ है तो वो है हमारा सोनी टीवी। जोरदार तालियां हो जाएं। और जैसे ही लौंडा 21 साल का हो जाता है, उसके रंग ढंग, जीने की उमंग और तरंग सब बदल जाते हैं। तो आज से सोनी की भी सारी सूरत बदलने वाली है, उसके साथ उसका रंग, अंदाज, जादू, संगीत सब बदलने वाला है, क्योंकि सोनी का जो है आज लोगो चेंज हो रहा है। जोरदार तालियां। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं सोनी परिवार के सारे सदस्य, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। गंदे लोगों के साथ मत रहा कर, देख तेरी क्या हालत होगी, क्या कर रही तू? अच्छा पाजी देख लो, मेरी संगति के लोग अपने नाम का शो चला रहे हैं, अभी भी मेरी संगति खराब है। अच्छा पाजी, सोनी टीवी नया लोगो लॉन्च कर रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि पुराना इसको दे दूं। तो अपने मुंह की जगह लगा तो हैंडसम लगेगा, बदतमीज आदमी। मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां CAID टीम वाले भी लोग आ रहे हैं यहां पे? आ रहे। तो मैं सोच रहा हूं लगते हाथ कोई घटना कर ही दूं मैं। अच्छा, इसका मुंह वारदात जैसा है ना, तो दुर्घटना के बारे में सोचेगा। क्राइम पेट्रोल वाले भी आ रहे हैं, ये ना अगले एपिसोड में तेरी स्टोरी आ जाए। हाय 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 हाय, इन दोनों के 19-20 के चक्कर में मुझे तो पता ही नहीं चला कि सोनी ने कब 21 साल पूरे कर दिए। तुझे तो सारा पता है नानी। अन्य तो क्या, इतना सो तो था सोनी। हाँ, मैंने अपनी गोद में पाल पोस के उसे बड़ा किया। सच्ची ओले ओले ओले, सच्ची कह रही हूँ सिद्धू जी। मैंने सोनी का बचपना और सोनी ने मेरी जवानी देखी है। हाय, मेरे पे तो गया सोनी। जब मैं जवान थी ना बहना, सब मुझे पलट पलट के कहते थे, हाय कितनी सोनी है। देखो मेरी बात सुनो, सोनी टीवी ने आज 21 साल पूरे किए, तुम लोग अपने 25 साल पुराने मुंह लेके दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। यार हद है, सोनी टीवी के सारे मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम भी सोनी पे आते हैं, हम रेडियो पे आते हैं। तेरा क्या है, तू कहीं कहीं पे भी आ जाता है। हाँ। आपको पता है, इसकी माँ इसके बाप की बातों में आ गई, ये दुनिया में आ गया। दबा हो जा। चुप करो तुम लोग। चंदू ये मत भूल, सोनी टीवी वालों का आज रेड कारपेट है, जहाँ बड़े बड़े स्टारों को हमें स्वागत करना है उनका। स्वागत ही करती रहती, कभी ब्रश भी कर लिया करो। दांतों में थोड़े दिनों के बाद झाड़ियाँ उगाएंगी। तो अच्छी बात है ना, पर्यावरण को भी बढ़ावा देना चाहिए। चलो चलो, वेलकम करो, चलो फटाफट चलो। आने दो, शाबाश, अच्छे लग रहे, वेटर लग रहे दोनों। चलो आने दो, 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 आने दो। क्या गाड़ी आ रही, पार्किंग करवा रहा है उनकी, वेलकम करो उनका। एक रिश्ता साझेदारी का, एक रिश्ता साझेदारी का की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आपको पता है पाजी, इनके शो में एक बड़ी खासियत है, फैमिली बड़ी 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 है, और वो भी संस्कारी, बड़े बड़े संस्कार। अच्छा, इतने संस्कार होते हैं तो फैमिली बढ़ कैसे जाती है फिर? आप हिंदुस्तान में पैदा हुए यार, यहाँ की आबादी देखो, संस्कार तो कूट कूट के भरा है हम लोगों में। ये संस्कार भी कूट कूट के भरा, प्यार भी कूट कूट के भरा, फिर एक दूसरे पर निकालते, फिर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। चलो
Welcome, 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 welcome. कप्पू बधाई हो कप्पू, बधाई हो कप्पू, तेरा नाना आ गया कप्पू। ए नानी क्यों फालतू में झूठ बोल रही है? मैंने फोटो देखी, कहाँ नाना है, इतने बकवास कर रही हो? क्यों सोनी वाले अपना नया लोगो लॉन्च कर सकते, तो नानी अपना नया नाना लॉन्च भी कर सकती। Go for it, कुशाल। जेनिफर विंगेट, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। देखो बाजी, एक तरफ बेहद की टीम, दूसरी तरफ हमारे बेहुदा लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मेहमानों को ज्यादा बदतमीजी करते हो। एक बात बताओ, सीरियल में आप इनकी बचपन की दोस्त हैं, क्रश आपको अब जाके हो रहा है, तो बचपन में अच्छा नहीं दिखता था? बचपन से ही क्रश, लेकिन ये उल्लू का पट्टा समझ ही नहीं पाया मुझे कभी। हमारा दिल बहुत बड़ा है, पंजाबी है ना जी, तो हम सबको लपेट लेते हैं, तो हम लपेट लेते। दोनों से प्यार करते हैं। तो भगवान को परिश्वत देके आया बंदा ये। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अब बारी है कुछ रंग प्यार के। नानी क्यों, तू फालतू में सबको परेशान कर रही है? नाना इतने फिट कहाँ थे? हाँ, नाना तो 3 फिट का था। हाँ, तो ब्यास के साथ वापस आया तेरा नाना। और सही बात है पाजी, मैंने भी बुर्ज खलीफा के साथ पहली बार कुतुब मीनार देखी है। तो तुम कहाँ से गिरना पसंद करोगे, बुर्ज खलीफा से क्या कुतुब मीनार से? बदतमीज लोग। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डांटो। स्वागत करिए इनका। आइए आइए, आपका स्वागत। आइए 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 प्लीज। आइए सुप्रिया जी, अभी अभी आपसे मुलाकात तो कर ले। एक बार जोरदार तालियां कुछ रंग प्यार के ऐसे भी पूरी टीम के लिए। सुप्रिया जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बस लोड़ी आ गई है, लगे हुए हैं। पाजी, सुप्रिया जी की फैमिली एक्चुअली सबके सभी इतने अच्छे कलाकार हैं। सचिन सर को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, सुप्रिया मैम आपको बहुत हम लोग सालों से देख रहे हैं। इनकी जो बेटी हैं वो भी शाहरुख साहब के ऑपोजिट आई थी फैन में, तो आपकी सारी फैमिली में सबके सब एक्टर हैं, सबके सब स्टार्स हैं, तो आप तो एक दूसरे का ऑटोग्राफ ही लेते रहते होंगे, है कि नहीं? हम ऑटोग्राफ एक दूसरे के गालों पर देते हैं। अच्छा, इतना प्यार है, पर ये प्यार चेहरे भी दिखता है, देखिए कितनी प्यारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए। एक सेकेंड, CIT की टीम कहाँ रह गई? कहाँ रह गई नानी? हाँ, इसका मतलब समझती हो, कुछ तो गड़बड़ है। समझ गई, मतलब दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा आ गया, दरवाजा बस आ गया, तो दरवाजा आज मैं तोड़ूंगा। जोरदार तालियां मेरे लिए। अबे तेरी टांग वांग टूट जाएगी। टूटा टूटा दरवाजा नहीं, इसका घुटना। आओ आओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजी, घुटना टूट गया, दरवाजा खुल गया, अब तो आइए। एक बार CID की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आपको मैं ये बता दूं कि सोनी ने अगर 21 साल पूरे किए हैं, तो CID ने अकेले ने 18 साल पूरे कर लिए। ये देश का पहला ऐसा शो है, ये वोट भी डाल सकता है, 18 साल का हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है पाजी, इन्होंने 3-4 साल CID और कर लिया ना, इन्होंने सोनी खरीद लेना है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आइए। कैसे डॉक्टर साहब? बहुत बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा आपसे। हाँ, कि मुंबई के मीरा रोड में लोगों को प्रॉपर्टी मिलती है, टोल नाका मिलता है, आपको सिर्फ लाशें मिलती हैं?
अब क्या करें, सब मीरा रोड में लाशें मिलती है, लाशें रहती है। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, आप एक लेंस के साथ सारा केस सॉल्व कर लेते हैं, वो लेंस आप इनको क्यों दे देते? इनको दे दूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी भाई। जोरदार स्वागत है। सर मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ, एसीपी साहब, आप आजकल सोनी टीवी पे क्राइम पेट्रोल भी आता है, कभी ऐसा हुआ कि क्राइम पेट्रोल को कोई केस चला गया और आपको लगा कि ओह माय गॉड ये केस हमारे हाथ से निकल गया? हेलो, यू हैव अ टाइट ग्रिप, नाइस टू मीट यू, आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटे, डॉक्टर मिश्र गुलाटे। तुमको यार 18 सालों से बोलते आ रहे हैं कुछ तो गड़बड़ा, कुछ तो गड़बड़ा, इसका भी मतलब तुमको बताओ। हेलो हेलो गुलाटी सालुखे गुलाटे सालुखे गुलाटे सालुखे डॉक्टर गुलाटे डॉक्टर सालुखे। और ले दे के कुछ मुका लो यार, क्यों इतना बहस रही हो? मिल रहे हैं तुमको कोई तकलीफ है? मिलो मिलो मिलो। डॉक्टर सालुखे डॉक्टर गुलाटे डॉक्टर सालुखे। हेलो हेलो, फोन आ रहा है, स्टेथोस्कोप नहीं आ रहा। ये बज रहा है। हेलो मम्मा मम्मा मम्मा, भैया मिल गए। मम्मा मम्मा 18 सालों से सीआईडी में काम कर रहे हैं, खुद ही सीआईडी में ना, तो हमको इसलिए मिल नहीं रहे थे, इसलिए हमको ढूंढ लिया। बहुत पैसे कमा रहे हैं मम्मा, बहुत पैसे बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरे से 10 साल बड़े हैं तो उनके बाल काले, मुझे काले, मेरे सब कुछ सफेद को, मुझे बादाम क्यों नहीं खिलाया आपने? हाँ जी भैया मैं आया, मैं मम्मी बुला रहे हैं, मम्मी जाओ जाओ जाओ। हाँ जी ये लो, ये तो तुमने सेब कितना तोड़ दिया यार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। हाउ आर यू सर? सच अ प्लेजर टू मीट यू। ऑनर ऑनर ऑनर। अब बारी है क्राइम पेट्रोल की। रो बनकर, ये अनु कहाँ रह गया? मुझे तो लगता है उनको कोई वारदात मिल गई होगी। दोस्तों ये है चाय की टपरी, ये है वो चाय की टपरी जहां पर मिलावट होती है, यहां पर दूध में पानी मिलाया जाता है, चाय पत्ती में चीनी मिलाई जाती है, यहां पर होती है घटिया चाय बनाने की वारदात। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और ये दोस्तों ये है वो हॉस्पिटल, ये है वो हॉस्पिटल जहां पर दिल पर पत्थर रखकर पत्थर पर दिल रखे जाते हैं और फिर लोग दिल पर पत्थर मारते हैं, इसलिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और दोस्तों ये देखिए, माय नेम इज शीला की जवानी, भले ही 60 साल पुरानी, यही है नानी की जिंदगानी। हाँ जॉन और सलमान को देखते ही हो जाती हैं हसीन, कुछ लोग इन्हें कहते हैं किस करने की मशीन। तो सुरक्षित रहें इनसे और सतर्क रहें। देखिए दोस्तों आजकल शॉपिंग का जमाना है, कोई लेता है फोन, कोई लेता है गाड़ी, लेकिन ये व्यक्ति जो इस कुर्सी पर बैठता है ये है इंटरव्यू का खिलाड़ी। और अगर मान लीजिए आपकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली हो तो बस यहां पहुंच जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो फिल्म कैसे हिट हो जाएगी। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। क्या बात है, टीवी इंडस्ट्री में एक ही एक्टर है जो चल रहा है इधर से उधर उधर से उधर। अनूप सोनी जी के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत स्वागत है। बाजी ये इतने लॉयल आर्टिस्ट है ना सोनी के, इन्होंने अपने सरनेम भी सोनी रख लिया है। कपिल ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि
मैं चल रहा हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल, मैं फिजिकली चल रहा हूँ लेकिन असल में ये चल रहा है। सर शुक्रिया सर, आप आपके नाम के आगे भी सोनी लगता है तो बड़ा मैच करता है सोनी टीवी पे जब आप आते हैं तो। आपको लाइफ टाइम पेमेंट दे दी होगी सोनी ने तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप सोनी के दामाद है क्या। मैंने कहा जी मैं दामाद हूँ लेकिन कपिल शर्मा सोनी का बेटा है। सर आप अकेले ही आ गए अपने शो से, बाकी नहीं आए? नहीं मैं तो अकेला ही हूँ ना अपने शो में। क्यों, मेरे शो में क्या होता है, बाकी सब लोग तो पकड़े जाते हैं ना। एक्चुअली हाँ सर, बाकी तो अपराधी सारे। जोरदार तालियां अनूप जी के लिए। थैंक यू अनूप जी। 24 घंटे आप अपराधियों की बात करते हैं, आज आपको हमने थोड़ा ग्लैमर दिया है। हैव फन मैन। तभी मैं सूट पहन के आया हूं। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सतर्क रहिए, मैं कहूंगा एंजॉय रहिए। और अब आ रहे हैं आपके सामने सुपर डांसर की मां। हैं? गीता माँ, नानी माँ, माँ, नानी, माँ, नानी, माँ, नानी, माँ, व्हाट? आपका स्वागत है। ऐसा कौन स्वागत करता है यार? आइए आइए। अच्छा आज मैं कहीं भी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि गीता पर हाथ रखकर कसम खाने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। अच्छा कपिल शर्मा, ये हमारी बड़ी स्पेशल गेस्ट है, अच्छी सी एक इंटरव्यू लेना आपने। मैं पान वाला हूँ, एक एक अच्छा सा पान देना, अच्छी सी इंटरव्यू लेना। बदतमीज आदमी, हम सबका स्वागत करते हैं। गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। हाउ आर यू? अच्छा लगा। वाह, कोबरा? वही जो आपने कल भेजा था, याद नहीं आपको? मौका नहीं छोड़ती है पूरा। गीता जी के लिए जोरदार तालियां। अब आ रहे आपके सामने पेशवा बाजीराव। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओए कितना क्यूट लग रहा है। कितने क्यूट है ना सब। बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बच्चा आया, शगुन डाल उसको 501 रुपया। गरीब आदमी, 501 रुपया शगुन तो डाल। दोनों मिलके डालेंगे। ये लो मेरी तरफ से 1 रुपया, 500 डालो आप। मेरी तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गई है, आप अपनी भी डालो ना। 1 रुपए के चक्कर में 50 रुपए की इंग्लिश खर्च की, कॉन्ट्रीब्यूशन हो गई मेरी। बदतमीज लोग मेहमानों को ऐसे स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाजी। पेशवा बाजीराव, आप एक तो आप सबने सुना ही है लेकिन इसके ऊपर जो है सोनी टीवी बहुत ही अच्छा एक सीरियल लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप स्कूल, अभी तो स्कूल में पढ़ते होंगे ना आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेवेंथ। सेवेंथ में। तो आप जब इम्तिहान वगैरह देते हैं आपके नंबर आते हैं कि रेटिंग आती है आपकी? नंबर आते हैं। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती ऐसे? नहीं, मैनेजर जाता है। ओके, तो आप बने हैं बाजीराव? यस। ओके, तो आप इनकी माताजी का रोल? यस। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपके बालों में नेचुरल कर्ल्स हैं, आपके डलवाए हैं? हां ऐसे ही नेचुरल हैं। हाँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके भी सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब आई मीन। पर आपके सीरियल से बहुत उम्मीदें हैं और बहुत ही मजेदार सीरियल है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आइए के सामने मुंह मुंह के धागे बजाओ। पप्पू ये देख तेरे नाना आ गए। नानी ये तेरे नाना का नानी, ये गुजराती हैं, कुछ समझी छू तो आमासू छू। तारा नाना अपन गुज्जू छू। तुझे नहीं पता जब तेरे नाना भागे थे ना तो उनके पास भी एक ही चीज थी। क्या? कच्छू। अच्छा ये जो मोमो के धागे हैं ये चाइनीज शो है? ऐसे लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि मैंने बड़ी बार मोमो खाए, बीच में से कोई धागा नहीं निकलता। पक्का आपने मोमो खाए थे ना? हमने? हाँ, बर में करेले तो नहीं खाए थे? हम तो खिलाएंगे अभी। इसका नाम भरवी गाली खाने का टाइम हो गया। उनके शो का नाम है मोमो के धागे। पर नहीं सही बात है, एक बार कंफर्म कर लेना, मोमो ही थे ना, करेला थे।
एक्चुअली क्या है मोमो करेला, तो इससे साबित होता है कि हम वेज कॉमेडी करते हैं, नॉट लाइक अदर शो. मोमो के धागे की स्टार कास्ट के लिए तालियां. आइए आइए, इन्होंने को वैसे खड़ा किया, इनको ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं. आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका. इजाज देखो इतना प्रोफेशनल है, 21 साल हुए सोनी को, कुर्ता भी 21 साल पुराना था. पर बहुत अच्छे लग रहे हैं इजाज. इजाज का अच्छा है, हर नए नए सीरियल में फिल्मों में इनकी शादियां बड़ी होती भाजी. तनु वैज मनु में भी इनकी शादी होती है, जहां सारे पंखे खड़े होते हैं. और यहां पे आपकी इनके साथ शादी हो रही है, तो आप एक गुजराती कैरेक्टर निभा रहे हैं. जी हाँ, एक अंबोली गांव का सरपंच का किरदार निभा रहा हूं मैं. ओके. जो एक शहर की लड़की से उसकी शादी होती है, तो मैंने ये भी सुना है कि आप आपसे बड़ी कम उम्र की होती है लड़की जिससे आपकी शादी होती है. दिख रहा है? नहीं दिख रहा है वैसे. नहीं ये पर आप तो 17-18 की लगती है. 17-18 की तो नहीं, एक्चुअली पर कहानी यही है ना कि एक 35-40 साल के लड़के को 20-22 साल की लड़की के 20-22 साल की. हाँ, पर आप फिर भी मतलब 32 की होने के बावजूद भी आप इतना छोटी. अच्छा 20. आप बताएंगे ये कब लॉन्च कब हो रहा है? ये दिसंबर. दिसंबर में? क्या बात हो, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. मतलब सोनी टीवी सिर्फ नया लोगो ही लॉन्च नहीं कर रहा है, नए नए शोज भी लॉन्च कर रहा है. जितने भी शोज नए लॉन्च हो रहे हैं और जो चल रहे हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं. आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आइए आइए, आप सबको सोनी के 21 वर्ष कंप्लीट होने पे आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद. शहर के बच्चे बाजी 21 साल की उम्र में, आप सबने देखा होगा 21 साल की उम्र में पढ़ाई, कंप्यूटर स्टडी, अफेयर, ब्रेकअप, ये सब कर रहे होते हैं. गांव के बच्चे 21 साल की उम्र में पैंट पहनना शुरू करते हैं. हाँ. उनको बोल के रखा गया होता है कि 21 में आप कानूनी शादीशुदा हो सकते हैं. अच्छा, वो टाइम ही नहीं वेस्ट करते, 21 को होते शादी कर लेते हैं. जबकि बड़े शहरों में आप देखो 30-32 का आदमी हो जाता है करियर के चक्कर में, उसके बाद शादी करता है फिर जाके. और ये गांव वाले तो 30-32 होते ही नहीं, पहले ही नहीं होते. मतलब गांव वाले जो हैं ये 25-26 में दो बच्चे पैदा करके पारी समाप्ति की घोषणा कर देते हैं, इतने फास्ट होते हैं एक्चुअली हमारे गांव वाले. अच्छा, लड़कियां 30 की हो जाती लेकिन 21 की नहीं होती एक्चुअली. अच्छा, जिसको पूछ लो सबका एक्चुअली टीन एज से बाहर निकलने का मन नहीं करता. ज्यादातर लड़कियों का उनको ऐसा लगता है कि टीन एज से बाहर निकले पता नहीं जेल हो जाएगी. आपको पता है जब दुकानदार पे केक लेने जाती है ना, मोमबत्ती लेने जाती है 19 साल वाली, दुकानदार भी यही बोल के देता है रखो 10 साल चलेगी ये. उनको पता है इन्होंने 19 से बाहर तो जाना नहीं है. एक्चुअली लड़कियां 19 पे आते स्टे ऑर्डर ले लेती हैं. ये देखो पीछे बैठी सारी 19 की. वो तो पारी जब बच्चे हो जाते हैं ना फिर उम्र छुपाना मुश्किल हो जाता है. कोई पूछ लेता बहन जी आप इतने बड़े बच्चे की माँ 35 की होंगी? वो तो मेरा मेकअप एक दिन अच्छा हो गया था तो ये हो गया, नहीं तो मेरी उम्र थोड़ी ना आंटी बनी. अच्छा, 21 साल में टीवी बहुत बदल गया है. आपको पता पाजी पहले एक्सप्रेशन देने के लिए एक ही कलाकार होता था. सुपोज हीरो है ना, माँ मेरी नौकरी लग गई, क्या वाह. अब सारे रिश्तेदार देते हैं, दादा, चाचा, मामा, ताऊ, आप सब तो बाखूबी जानते हैं. अच्छा, सीरियल में अगर आपका मेन कैरेक्टर है फिर तो आपके डायलॉग आते रहते हैं. अगर आप किसी सीरियल में ताऊ चाचू लग गए है ना, मतलब लगातार सालों साल चलते रहते हैं, तो फिर सिर्फ पीछे खड़े होकर एक्सप्रेशन देने होते हैं, क्या, अरे हे भगवान. अच्छा, कई लोगों को लगता है कि ये किरदार जो है ना ये हर एपिसोड में आता है, हर हफ्ते, लेकिन ऐसा नहीं होता. वो कुर्ते चेंज करवा के रिएक्शन लेते रहते हैं, तो महीने भर कभी कहीं शूट कर लेते हैं. एक्चुअली सारा खेल टीआरपी का है. अगर घूंघट उठाने पे अच्छी टीआरपी आ रही ना तो घूंघट नहीं उठने देते. सपोज अगर संडे को बड़ा अच्छी रेटिंग आ रही घूंघट उठाने वाले सीन पे, उठाएंगे नहीं, रोक देते हैं, ठहरो. फिर नाले वो आ जाता है, अगले हफ्ते देखिए दुल्हन पिया की. मंडे को वो फिर घूंघट उठाने लगता है, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये घूंघट नहीं उठा सकते. मंगलवार को वैसे दूल्हे का व्रत होता है, घूंघट पहुंच जाता है बुधवार को. अच्छा, जो लड़की घूंघट के नीचे होती है ना, लोगों को ये लगता है कि 6-7 एपिसोड से बैठी हुई है, हालांकि वो उसी दिन उसको बुलाते हैं जिस दिन उसका घूंघट उठना आता है. बाकी 6 दिन अपना स्पॉट बॉय नदीम ही बैठा क्या नहीं मिल रहा. अच्छा, जब शो की टीआरपी नहीं आती ना कभी कभी एकदम से, पाजी नया नया लॉन्च हुआ शो ना, बड़े सारे ऐसे चैनल्स करते हैं सीधा ही टाइम लीप ले लेते हैं 20 साल, और जो लड़की हीरोइन बन के आई थी उसको सडनली मां बनना पड़ जाता है बेचारी को. वो मेकअप वाले से लड़ रही होती, थोड़ा कम बाइटन लगा, तेरी मां नहीं जितनी बूढ़ी मैं. तो ये सब चीजें चलती रहती हैं.
और लड़का कास्ट कर लेंगे उसका बेटा, माँ से भी बड़ा होता है कई बार, लड़की 25 की होती है, लड़का 28 का। वो तो जब 100 एपिसोड कंप्लीट होते हैं ना, जब उनकी पार्टी होती है तब जाके वो जो लड़की माँ बनती है ना। अच्छा मेरा एक दोस्त है बाजी, फिल्म सिटी में शूट करता है, मैं अक्सर उसके सेट पे जाता रहता हूँ। इतना फेंकता है ना उसके सीरियल में, मतलब उसकी स्क्रिप्ट ऐसी है, बात करेगा, हाँ बेटा, हाँ वो 10,000 करोड़ की फैक्ट्री मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बाद में अपनी शेरवानी उतारा ना, बाहर आके ऑटो वाले झगड़ा, 40 रुपए लगता है मीरा रोड से इधर आने के। अच्छा क्राइम पेट्रोल जो लोग देखते हैं अनूप जी, कई लोग तो इतने मेरी माँ इतनी शक्की होगी ना, दरवाजे नहीं खोलती, कोई भी आ जाए, मैं भी आ जाऊँ नहीं खोलती। मेरा एक दोस्त है वो भी इतना शक्की हो गया ना, दरवाजा खोलता है, पूछता है कौन है, सामने से आदमी बोलता है तेरा बाप उबे, कहता माँ का नाम बता कौन। अच्छा सीआईडी को तो मैं हैट्स ऑफ सर, ये पहले हमारे एक्टर्स होंगे इस सीरियल के जिनको रिटायर होने के बाद पेंशन भी लगेगी, आपको पता है। पेंशन लगेगी और रिटायर होने के बाद फैमिली के किसी एक मेंबर को सीरियल में काम मिलेगा। अच्छा मैं अपने यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि 21 की उम्र में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्लान करते हैं कि अगर मैं बड़ा हो जाऊँगा या 25 का या 30 का तो मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, लेकिन हो कुछ और जाता है, डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है। मेरे कोई ऐसे दोस्त हैं जो अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने सोचा कुछ और हो 21 की उम्र में और कर कुछ और रहे हैं? यस, क्या नाम है ब्रदर आपका? अजितेश रंजन सर। सर मैं सूरत से आया हूँ। अच्छा जी, मैं आरा का रहने वाला हूँ, बिहार का। अच्छा तो हमें क्यों बता रहे हैं, हमने किराया देना है आपको। अच्छा आरा से रहने वाले हैं? आरा का रहने वाला हूँ और सूरत। सूरत में क्या करने वाले हैं? वहाँ पे सर मेरा काम चलता है, जॉब मतलब फैक्ट्री है हमारी छोटी सी। अच्छा, हैंडवर्क की। छोटी सी कितनी जेब में रख लो यार। आरा के बारे में क्या ज्यादा चीज फेमस है? डाकू भाई, तो किताबों में लिखा हो बनारस के ठग और आरा के डाकू बड़े फेमस। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? सर डाकू तो नहीं है, आप एक बार चलिए जरूर। मुझे ले जाएगा? हाँ तो आपके क्या विचार हैं आपके? हमारे विचार थे सर कि मैं बचपन से ही सोच रहा था कि मेरी बहुत बड़ी ऑफिस हो, बहुत सारी महिलाएं उसमें काम करें। महिलाएं क्यों काम करें? टीवी में देखा था ना, हीरो आता है, बहुत सारी सेक्रेटरी होती हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, थोड़ी उमंगे जाग गई। अच्छा आओ मेरे आरा के जॉन अब्राहम। तो फिर चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, शुक्रिया। मैं अपने जितने भी हमारे स्टार्स हैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने लड़के की उम्र शादी की 21 साल है, लड़की की 18 क्यों है? वाई दिस रेसिज्म? जेनिफर आई वॉन्ट टू आस्क यू कि लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की 18 साल, मतलब लड़की जल्दी समझदार हो जाती है? एग्जैक्टली, लड़कियाँ जल्दी मच्योर हो जाती है, लड़कियाँ ज़्यादा सेंसिबल होती है। लड़के 21 के हो या 41 के हो या 51 के हो, कभी नहीं समझते। तो आपका कहने का मतलब कुशल पागल है, उसको कुछ नहीं पता है? समझदार को इशारा काफी है, जिसको जो समझना है समझ। कोई विशेष टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस बारे में? पाजी कुछ नहीं है, लड़की खुश रहनी चाहिए जिसमें खुश रहे, पागल है तो ठीक। एसीपी साहब आपका कुछ विशेष टिप्पणी, लड़के की 21 साल क्यों, लड़की की 18 साल क्यों है? जैसे जेनिफर ने कहा बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब आपके क्या विचार है इसके बारे में? जैसा एसीपी साहब ने कहा बिल्कुल ठीक। कोऑर्डिनेशन बड़ा सोनी टीवी के। कपिल भाई आपका क्या विचार है? हैं? आपका क्या विचार है? किस बारे में बात कौन सी हो रही थी? गीता मैम आपका क्या विचार है? इतना अगर पता होता तो मेरी हो चुकी होती, मतलब आई थिंक आप बता दीजिए जब आपकी और मेरी हो जाएगी, समझ आ जाएगा। मुझे लगता है ऐसा हमारी हो जानी है, पक्का होनी है सर। अपना ही शो प्रोड्यूस करेंगे, अपने बच्चे डांस करेंगे, खुद ही जज करेंगे। आप होस्ट कीजिए, मैं दोस्त बन जाऊंगी, वो डांस कर लेंगे, मैं होस्ट करता रहूंगा, आप जज। दो तीन पहले बाहर से लाएंगे, फिर अगले साल अपने शुरू हो जाने। करेक्ट। क्या कर रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है? ये मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। क्यों भाई? वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। अरे वाह, मुबारक हो, आपकी कब्ज ठीक हो गई? एक मिनट, फिर तो मैं कहूंगा ना कि मुझे इंतजार था, लोगों को थोड़ी कहूंगा तुमको इंतजार था। फिर हुआ क्या बताओ?
सोनी टीवी 21 साल का हो गया है, 21वीं सदी भी आ गई है, एंड आई मस्ट टेल यू मेरी बेटी भी 21 साल की हो गई है. एंड मैंने फैसला किया है कि आज मैं उसका स्वयंवर करूँगा. चलो अभी की दुखी बातें छोड़ते हैं. व्हाट अ 21 डे. आई वुड कॉल माय डॉटर सरला. सरला बेटी सरला. डॉक्टर साहब, ए सरला 21 की कैसे हो गई? 6 साल पहले भी आपने कहा था 21 साल की हुई है ये. 6 साल पहले मैंने तुमको एक और बात कही थी, शट अप. वो तो तुमको याद नहीं, ये तुमको याद है. जब आपने मुझे शट अप कहा था, मैंने भी आपको कुछ दिया था, आपको याद है? हाँ हाँ, मुझे तुमने कान के नीचे दिया था जो मैंने संभाल के रखा हुआ है, ठीक है. ओके, मेरी बेटी का स्वयंवर है दोस्तों, तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए उन लोगों को बुलाना चाहूंगा जो इस स्वयंवर में शरीक होने वाले हैं. बट उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी बेटी सरला, इसके गुण बताता हूं. मेरी बेटी सरला के सिद्धू साहब, इसने अब रात को चलना छोड़ दिया, नींद में चलती थी ना. और खराटे बस नाम के लेती है, ऐसे दो चार मिट्टी खाना तो पिछले हफ्ते भी छोड़ दिया. आपको शर्म नहीं आती आपकी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं आप? तो फिर किसके बारे में बोल लो भाई? आप अपनी बेटी के बारे में ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे लोग क्या सोचेंगे? ये तो फिर वो खड़े होकर भी वही सोचेंगे जो बैठे सोचेंगे, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है. ओके, जिसको जो सोचना है सोची दो कपू. जब तुम्हें कुछ नहीं सोचना तो क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे? वेरी गुड बेटा. पापा, आप मेरी शादी करा दो, मैं तैयार हूँ, भले मुझे किसी सड़क छाप से क्यों ना करनी पड़े. भले का क्या मतलब हुआ, उसी के साथ होनी है और और क्या. तेरे प्रिंस विलियम आएगा शादी करने तुम्हारे साथ. मैं कुछ लोगों को स्वयंवर के लिए यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, मेरे भी कुछ एज ए फादर फर्ज बनते हैं. तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ एजाज खान, शहीद शेख, अनूप सोनी और कुशाल टंडन, यहाँ पे प्लीज आए. बेटे हार पहनाओ, चलो. सबको? सबको स्वागत कर रहे हैं यार, हर चीज फेरे नहीं अभी. अपना अपना हार पहन के भी नहीं आते लोग घर से. आप सभी आ जाइए, स्वागत ही है. सो वैसे भी आपके हार फंस जाना था ऊपर पगड़ी में, अच्छा हो गया नहीं है. चलो जी, सबसे पहले अपने कुशाल टंडन जी हैं यहाँ पे. वैसे आपको आम पापड़ पसंद है? ले, सवाल भी देख लो कैसा पूछा. तेरा अपना मुंह आम पापड़ जैसा, इसका मतलब सबको आम पापड़ पसंद है. वैसे मुझे एक सवाल पूछना था देव से. देव, आप शादी के बाद अपनी पूरी सैलरी मुझे दे देंगे ना? जी बिल्कुल, पूरी की पूरी. शादी की आड़ में भीख मांग रही है? तुम चुप रहो, शादी के बाद फर्ज बनता है पत्नी का अपने पति की सैलरी पे. तुमको क्या पता? सब कुछ अपने पास ही रखेगी, अपने बाप को कुछ नहीं देगी. पापा, अनूप भी है. अनूप, अगर आपसे मेरी बेटी का रिश्ता हो जाता है तो बहुत चैनल फ्रेंडली लगेगा अनूप सोनी. बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इनसे यही कहूँगा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, तो वो चलेगा ना, आपको दिक्कत नहीं होगी. हाँ पापा, वैसे हमारी जोड़ी भी काफी सोनी लगेगी. हाँ पापा, इजाज भी. इजाज के तो मिजाज ही मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं इस वक्त. भाई जो भी हो, मैं ये बहुत लड़का काबिल है, लेकिन मैं ऐसे किसी का हाथ अपने बेटे के हाथ में नहीं दूँ. मैंने इसको ना ऐसे ही चलते फिरते पाला. So, मैं इसका हाथ उस लड़के के हाथ में दूंगा जो स्वयंवर का आइटम जीतेगा. ये किसके कद्दू उठा के? फ्रेंड्स, दिस इज योर टारगेट. यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे चारों आ जाइए. मुझे पहले ही शक था ये आदमी जानबूझ के मिस कर रहा है. Congratulations, you missed it. क्योंकि इनको रिजल्ट पता है ना, प्रोग्राम ही ऐसा करते हैं, ये खतरनाक वाला. अब ऐसे बाबुल जो भी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, मेरी बेटी को चुन ले और हाँ बोल दे.
बेटी तो मेरे पास अब नहीं रहेगी। कौन शादी करना चाहता है मेरी बेटी? बाबुल जी और सरला जी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी भाग्य लक्ष्मी यहाँ है तो मैं आपको अलविदा कहना चाहता हूँ। माफी माफी दीजिए मुझे। ठीक है सोनी साहब, मेरा तो देखिए निशाना ही चूक गया, तो मैं तो वैसे ही रेस से बाहर हो गया। जानबूझ के ठगी की आपने। ठीक है जी, देव की तो ऑलरेडी सोना है, उसकी शादी हो चुकी है। मेरे पास तो दो दो हैं। बेटे चैनल का लोगो बदल गया पर तेरी किस्मत नहीं बदली। आप सबको ये जान के खुशी होगी कि सोनी पे एक बार फिर से इंडिया का सबसे बड़ा सबसे पॉपुलर टैलेंट हंट शो आ रहा है, इंडियन आइडल। उसके लिए पहले तो जोरदार तालियां। और उस शो के दो महारथी जजेस हमारे साथ हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक साहब एंड वर्सटाइल सिंगर मिस्टर सोनू निगम। बस करो, कल भी बजाना कि तोड़ देना उसको बजा बजा के। अनु सर, सोनू बाजी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। बाजी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं जी, प्लीज। ये गौरवमयी पल है भैया जी, सात सुरों के रंग आपके अंदर मिलते हैं। वाह, ये वो साहिल हैं जिस पे जाके समंदर मिलते हैं। वाह, देश और दुनिया महकती है जिनके संगीत से, युगों युगों के बाद ऐसे मस्त कलंदर मिलते। वाह क्या बात है। बाजी अनु सर ने और सोनू बाजी ने, इनकी इतनी कमाल की जोड़ी है, इन्होंने सैकड़ों गाने गाए साथ में। हाँ। इतने सदाबहार गाने दिए हैं। आपने जब पहला गाना दोनों में साथ में रिकॉर्ड किया था लाइफ में, उस समय आपके दिमाग में ऐसा आया था कि आप दोनों को हमारे शो में साथ में आने का मौका मिला? मैं बहुत ऐसे सवाल है मगर मैं बताना चाहता हूँ। अभी हमारी जनता ये जानकर खुश होगी कि सोनू निगम की एक्चुअली हमारी जो डिस्कवरी हुई थी कहाँ हुई थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू नो। सोनू निगम वॉज डिस्कवर्ड बाय अनु मलिक ऑन द स्टेज इन अ शो इन दिल्ली। उस वक्त सोनू निगम वॉज अ स्मॉल बॉय, आई वॉज द जज। सोनू निगम आया विद अ हैंड, लेफ्ट हैंड ब्रोकन एंड स्टार्टेड सिंगिंग। वो गाना गाने लग गया। अच्छा। एंड जब इतने बच्चे गा रहे थे और मेरी नजर ठप पड़ी इस लड़के पर। अच्छा। ये लड़का कौन है? एंड आई रिमेम्बर वॉकिंग ऑन द स्टेज एंड सोनू सामने खड़ा हुआ था। एंड सोनू, जस्ट टेल द वर्ल्ड हम दोनों की कॉन्वर्सेशन क्या थी उस वक्त। मेरे फूफा जी, जब मुझे अवार्ड मिल गया, इन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया, और तो मेरे फूफा जी जब शो खत्म हुआ तो मुझे लेकर गए इनके पास में कि अनु जी ये है वो लड़का। उन्होंने मुझे देखा और उनको बोला कि 2-3 साल में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको मेरे पास फटाफट लेकर आना। तो जैसे ही मैं मुंबई आया, द फर्स्ट डोर वी नॉक वाज अनु मलिक जी। वाह सर, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप यहाँ विराजमान हो जाइए प्लीज। आज मजा आने वाला है क्योंकि सोनू पाजी और अनु सर, इनकी पुरानी दोस्ती है। सर जैसे आपने सोनू पाजी के साथ बहुत काम किया, बहुत गाने गवाए, आप पहले सिंगर डिसाइड करते हैं मन में कि, या आप पहले गाना डिसाइड करते हैं फिर आप सिंगर डिसाइड करते हैं? जैसे सोनू पाजी को आप मिलते हैं तो उनके हिसाब से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंपोजिशन में करते होंगे। एक्चुअली बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब गाना बनता है जी, सिंगर का चेहरा सामने आ जाता है। आई डोंट नो हाउ अदर कंपोजर्स वर्क जी, बट मेरे साथ ये हुआ। मैं एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। संदेश से आते हैं गाना, याद है आपको? जी बिल्कुल। गाना बन गया है, दो सिंगर्स माइक पर हैं, रूप कुमार राठौर और सोनू निगम। बहुत अच्छा गाया रूप जी ने गाना, बहुत अच्छा गाया जी। मैं सुनता गया, उस वक्त मैंने जेपी साहब को कहा, जेपी साहब 1 मिनट। मैं अंदर गया कैबिन के, मतलब लेट्स चेंज दिस, सोनू निगम गाएंगे। उस वक्त देयर वाज साइलेंस,
अनु मैंने डिसीजन ले लिया, यंग लड़का है और ये डिसीजन मैंने ले लिया था. मैं बोला ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट्स एज अ कंपोजर, ये लड़का इस गाने को यहां से वहां ले जाएगा. रूप कुमार तो कमाल गा रहा है. ये हुआ, गाना माइक पर जब इसने ये लाइन गाई, एंटायर स्टाफ इन द थिएटर स्टार्टेड गेटिंग अप एंड क्लैपिंग एक्चुअली. एंड मैंने बोला अ सिंगर इज बॉर्न, अब नेम ऑफ द सिंगर इज सोनू निगम. ये फैक्ट है. तो उस वक्त जब गाना बनता है और गाना जब बनाते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि ये सिंगर कौन है, क्यों है और ये सिंगर गाना गाया है. अनु सर, एक एक क्वेश्चन और है. आप ऐसे मतलब लगातार कितने घंटे बोल सकते हैं? सोनू भाई थोड़ा बड़ा अच्छा इमिटेट करते हैं अनु सर को. आपको जब गाना बताते हैं कि सोनू ये गाना है, ऐसे गाना है, और कैसे समझाते हैं? जनता तैयार हो जाना, अभी ये मुझे इमिटेट करेंगे. आप जरा अच्छी तरह गौर फरमाएं. नहीं, मैं एक्चुअली इमिडिएट से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या करते हैं. अब अगर कोई इनको बोल दे कि इंस्टेंट कि यार गाना पसंद नहीं है, ये इंस्टेंट कुछ कर देंगे. ए, 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? रुक गया, यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट. आई डोंट लाइक इट. एक बकार बकार चल स्टार्ट कर साहब. जी कमाल है. ओहो, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी. ये 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 इसलिए किया कि जब मैंने अच्छी ट्यून बनाई, प्रोड्यूसर ऐसे सोच रहा है अरे कि नहीं करें, तो मैं बोला ऐसी ट्यून सुना दो कि उसको बोले कि वो पहले वाला अच्छा है. मैं आपको सोनू पाजी की एक और खासियत बताता हूँ भाजी. अगर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अलका जागनिक जी नहीं पहुंच पाई, तो ये हल्का सा याग्निक भी बन जाते हैं मतलब. अच्छा पाजी, आपको पता है अनु सर जो हैं, आपको दुनिया में शेर व शायरी के मामले में कोई कंपटीशन नहीं दे सकता सिवाय अनु मलिक सर के. आपको पता है इनको कोई भी लफ्ज़ दे दो, उसी समय शेर तैयार. गर्मा गर्म इधर एक. अभी अनु सर, मैं आपको चार लफ्ज़ देता हूँ, ठीक है? परीक्षा की घड़ी. आपको उसके ऊपर कुछ बनाना है. दाल, टमाटर, जांगिया और सोनी के 21 साल. बड़ा अतरंगी सा लिरिक्स मैंने आपको दिए. आई एम सॉरी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट. बट तो दाल पर तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है. अच्छा जी, मेरे दिमाग में तो चावल आ रहे हैं. सुनो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जरा भैया दिल से सुनना जी. कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कमाना पड़ता है माल. इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कमाना पड़ता है माल फॉर दिस सिंपल तुअर की दाल. टमाटर और जांगिया बता दो ना. हाँ जी, जमाने की हालत देखो, जांगे का नाड़ा खुल चुका है. जमाने की हालत देखो, जांगे जांगिया का नाड़ा खुल चुका है. शर्म के मारे टमाटर जैसे हो चुके लाल लाल गाल. लेकिन गुड न्यूज फोक्स, गुड न्यूज फोक्स, सोनी का हो चुका है 21वां साल. ताली बजाओ, क्या बात है, बजाओ बजाओ, जोर से बजाओ. पर क्या बात है, तो ताली बजाओ. बोले क्या शायरी थी ये. बड़ा मुश्किल होता है यार ये झांगिए में टमाटर फिक्स करना जो आपने किया है. तो फिर बैठ रहे. अच्छा खबरदार, अगर हमको महंगाई कहे तो. तुझे पागल, महंगाई कहाँ कह रहे हैं, तुझे तो हम दान कह रहे हैं, तुझे पता नहीं चल रहा है. हाँ नहीं हूँ, इधर देख, सोनू निगम बैठे हैं, अनु मलिक जी बैठे हुए हैं, सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर देख के कुछ शेर सुना दीजिए अनु मलिक जी. शेर हुस्न में बोला जाता, हुस्न पे. हाँ, तुम लोग महिलाओं महिला बनने के 500 साल पीछे हो तुम लोग. सोनी टीवी वाला सब में मान बैठा हुआ है. अरे सोनी टीवी वाला सब यहाँ है तो आज सोनी चैनल पे क्या आ रहा है? क्राइम हो रहा होगा क्योंकि सीआईडी वाला तो सब इधर ही बैठा है ना. एसीपी प्रद्युमन जी नमस्ते, जरा हमारे घर पे आइए ना, हमारा किचन में आइएगा, डब्बा में जंग लग गया है, खोल दीजिए ऐसा ऐसा करके. आ जाइए.
लीजिए, क्राइम पेट्रोल का अनूप सोनी भी यहीं बैठा है। वैसे सच पूछे तो अनूप सोनी जी, आपका वजह से हमारा शादी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके अलावा जितना भी लड़का हम देखते हैं, देख के लगता है कि कोई भरोसा नहीं, शक होने लगता है कि क्राइम इसी ने किया होगा। मैं अनूप जी से तेरी बात करती हूँ। अनूप जी अच्छे घर की लड़की है, ये बहुत घर की लड़की क्या पूरा घर ही है। अनूप सोनी जी मान जाइएगा, देखिए मैं तुलसी तेरे आंगन की बनने के लिए तैयार खड़ी हूँ। तू ये ना बोल मैं तुलसी तेरे आंगन की, तू बोल मैं बरगद तेरे खेत का। वैसे ये देखिए यहाँ पर इंडियन आइडल के जजेस आए हुए हैं, तो आपको शायद पता नहीं है ये भौजी है ना, बहुत अच्छा गाती है। हमको जो शांति वन आइडल में, अभी आप जब से इंडियन आइडल का जज है, हम शांति वन आइडल में मास्टर है। एक मिनट, अरे मैं थोड़ा सा लेट क्यों होगी बोर्ड सेट करने में, आप तो मतलब ये शांति वन आइडल मैं हूँ, बस चुप रहो तुम। ये जूड़े पे क्या लिखा आपने टू लेट? जी ये एक्चुअली जो के लिए थी, अभी फिलहाल ही मेरा सर खाली हुआ है, सो नोबडी इज ईटिंग माय हेड, सो दैट्स व्हाई आई पुट दिस बोर्ड। हेलो अनु जी, हेलो सोनू जी, हाउ आर यू ऑल? गुड गुड जी। माय सेल्फ टीचर विद्यापति, आई एम अ वेरी गुड सिंगर, मैं अपनी आवाज छोड़ के हर किसी की आवाज में गा लेती हूँ। जी हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या हुआ? हमको लगा शांति मन आइडल हमारे तो यार निकल लिया, हम तो तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? जिंदगी तबाह हो गया कपूर शर्मा। वो तो उसका हुआ ना जिसके साथ आपकी शादी हुई। नहीं हाँ। उसके साथ तो बन जाता हमारा जिंदगी। अच्छा ये भैंसी आई ना हमारे बीच में सो जाती है, हमारे घर में है एक एच के है। क्या हॉल किचन है? भी नहीं है, बेडरूम है ही नहीं, बेडरूम है ही नहीं, तो हॉल हो गया ये, तो किचन कौन है? कोई बीच में चल रहा है, बुरा हाल हो गया, पूरा ही हॉल हो गया, हाल बुरा है हमारा, तो खुल गया पूरा मामला। अभी क्या होता है आपको हम टेक्निकल समझा देते हैं। हाँ समझाइए। इधर संतोष के भाई सोते हैं, इधर हम सोते हैं, बीच में ये सो जाती है, हमारा फैमिली नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। रेडियो पे गाना आता है सोनू जी का, जब बजता है ना कि सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा, हमारे दिल में रोमांस उठ जाता है, उठ जाता है, हम कुछ कर नहीं सकते। बीच में भैंसियाइन होती है। अरे रे रे। आपको यकीन नहीं, हम बताते हैं सोनू जी जब आपका गाना बजता है, देखिए ये सो के शुरू में ही रख दिया था, ऐसा बेड पे हम सोते हैं। इतनी अच्छी चादर है तुम्हारे पास? हमारी नहीं है, तुम्हारे घर की है। तो सोनू जी इधर आइए एक मिनट। सोनू जी मान लीजिए आप संतोष के भैया हैं, आप इधर सोए हैं, आइए इधर आइए, इधर लेट जाइए, रात का टाइम है, मैं बता रही हूँ, लेट जाइए सोनू जी, हम अब समझा नहीं पाएंगे अनु जी को वरना। हाँ तो तकिया इधर है, ठीक है, आप ऐसे लेटे हैं आराम से। इस ये भी नौबत आ गई है, ऐसे आराम से लेते हैं, नाइट का टाइम है, ऐसा लेट गया। ए भैंसिया इधर अपनी जगह पे। तो हम तो बीच में सोते हैं, इसमें क्या करके आ जाती है बीच, अभी हमारा सोने का वक्त हुआ है। गाना जरा, अभी हम सो रहा है, रात का 11:30 बज गया, कपिल शर्मा शो खत्म, खाना खाया सो गया। अरे क्या हुआ? तो सुबह हो गया है। ऐ भौजी उठ जाइए, सुबह हो गया है। सुबह हो गया? हाँ हो गया, सुबह हो गया, तो उठ बाथरूम में। अरे हमारे दूध को खाए मार रही है, जिंदगी खराब कर दिया। हमने क्या किया है? हमारा जिंदगी खराब कर दिया। उठ जाइए, तुम लोग
हमारा पे सब हाथ उठा के चला जाता है। अच्छा हमने इतनी बातें कर ली बाजी, हमने ये तो पूछा ही नहीं इंडियन आइडल लॉन्च कब हो रहा है? जी 24 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है। ओके और हमारे लिए इसलिए खुशी की बात है बिकॉज अनु जी मैं और थर्ड का भी आपको रिवील किया जाएगा। जी थर्ड कौन जज है? हम लोगों ने इंडियन आइडल को पहले सीजन में और सेकंड सीजन में जज किया था, मेरी बहुत अच्छी सी यादें जुड़ी हुई हैं और इस बार सोनी के साथ में हम लोग यू नो बिकम अ टीम अगेन, लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि इंडियन आइडल जैसा प्लेटफॉर्म ही नहीं कोई, बिल्कुल ऐसे लोग ऐसे सिंगर्स और इस तरह का उनको नाम मिलना ये तो सपने की बात है। आई विश जब मैं नया नया आया था तो मेरे लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता कि मुझे फटाफट रातों रात कामयाबी मिल जाती। और सुनो एक बात हमको जरूर कहनी पड़ेगी जी, ये जनता को बताना चाहता हूँ कि बहुत म्यूजिकल शोज होते हैं बट द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट ओरिजिनल शो ये आप मानते हैं इज इंडियन आइडल, सो आई थिंक दिस इज अ फैक्ट एंड इट इज नॉट जैसे हम कहते हैं वॉक द टॉक। आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंगर्स हमारे यहाँ से निकले हैं उनमें से एक का नाम मैं लेना चाहता हूँ, बहुतों को चांस दिया हमने, जब हम कहते हैं जब सिंगर पसंद आता है कि तुम आगे बढ़ोगे या बढ़ोगी तो उनको काम भी दिया जाता है। मैंने अभी फिलहाल इंडियन आइडल से निकली हुई लड़की मोनाली ठाकुर को गाना दिया जिस गाने ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है जी, मोमो के धागे जी, बहुत ही खूबसूरत गाना। तो ये हमारे शो से होता है तो आई थिंक द जनता इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू हैव इंडियन आइडल बैक अगेन विद अनु मलिक सोनू निगम एंड ऑफ कोर्स वो जो थर्ड जज है उसका नाम रिवील किया जाएगा 24 दिसंबर, देखना ना भूलिए इंडियन आइडल। अनु सर और सोनू बाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जैसे मैंने बताया कि आज सोनी के 21 साल पूरे हो गए हैं तो सोनी परिवार के सारे सदस्य यहां पे हैं। सुपाजी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप यहां पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां एक बार आइए सर। हमारी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का एक उसूल है, यहाँ हर अच्छी चीज और सक्सेसफुल चीज को दोहराया जाता है या उसकी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया जाता है। ऐसी एक हिट फिल्म तुम बिन की दूसरी कड़ी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच तुम बिन 2 की कास्ट को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम नेहा आशिम और आदित्य। नेहा आशिम आदित्य आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप देख सकते हैं दो लड़कों के बीच एक हीरोइन है, ये मैच था जो पहली फिल्म में चार हीरोइन ले गया। अच्छा आप दोनों इस फिल्म में लीड हैं, हीरो हैं, आपकी एक हीरोइन है, तो आप जब ये फिल्म साइन कर रहे थे आपके दिमाग में आया था आपको ऐसे मतलब हमारे शो में आने का मौका मिले? एक्चुअली हीरो बनने का प्लान था नहीं। अच्छा इस शो में आना था इसलिए बनना पड़ा। क्या बात है, प्लानिंग ही ऐसी थी हमारी। पहले तुम बिन आई थी 15 साल पहले, अब ये 15 साल बाद तुम बिन 2 रिलीज हो रही है। आप लोगों ने फिल्म का पहला पार्ट देखा है? कभी डायरेक्टर ही पूछ लेता कि आपने पहले करने के बाद, हाँ करने के बाद देखा आपने? नहीं नहीं तो पूछ लेता ना हमसे कि फिल्म में क्या हुआ था तो वी हैड टू वॉच इट। पर आप तो तब स्कूल में पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से। जी जी है ना जी, आप तो पैदा नहीं हुई। पैदा नहीं। बड़ी खूबसूरत है स्नेहा, आई लाइक हर वेरी मच। अच्छा इनकी फिल्म है हिंदी, शूटिंग हो रही है इनकी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ऐसा आपको क्यों लगता है? इंडिया में फीलिंग नहीं बाहर निकलती के डर रहता है कि घर वाले शूटिंग देखने ना आ जाए? ठंड में प्यार थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हाँ, वो बड़ी वॉर्म सी फीलिंग आती है। आपको पर्सनली अच्छा लगता है बाहर दूसरे देशों में जाके ये सब इंजॉय करने में? वहाँ सब ओपनली करते हैं तो इट्स इजियर। हाँ एक्चुअली वहाँ पे कोई एक दूसरे को तंग भी नहीं करता, अभी वो लगे होते पता नहीं चलता उनका कब खाना खाते खाते शुरू हो जाते हैं। दैट्स वेरी स्वीट थिंग ऑफ देम। अच्छा यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्यार जो होता है वो दिल से किया जाता है कि दिमाग से किया जाता है? आप फेवर में भी बोल सकते हैं अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। जी मैम सबसे पहले मेरे ख्याल से दिल से करना चाहिए प्यार। अच्छा जी, दिल ही अपने दिमाग को मैसेज देता है कि इससे अपन प्यार करें। अच्छा जी, मेरे शादी को भी आज 21 साल हो गए हैं। अच्छा जी, और 21 साल आपको सोनी टीवी की तरफ से पेंशन लगेगी आपकी, इनको भी 21 साल हो गए।
तो आपने दिल से शादी की? और हाँ, दिल से शादी की। आज भी मेरे हस्बैंड, कभी मेरे को दिल में होता है कि अभी हस्बैंड का फोन आएगा, तुरंत हस्बैंड का फोन आता है। और मेरे दिल में होता है आज हस्बैंड के लिए ये खाना बनाओ, तो उनका सामने से फोन आता है कि मेरे लिए ये खाना बना। अच्छा, तो 21 साल से यही बातें हो रही हैं कि ये खाना है, ये खिलाना है। नहीं, नहीं। दो बच्चे भी है मेरे। अच्छा, नहीं वो तो जरूरी है। तो आपका कहना है दिल से प्यार किया जाता है। हाँ। आपके हस्बैंड का भी यही कहना है? हाँ, है ना, इधर ही है। भाई साहब आप, अरे कैसे, आप काफी खाना खिलाया भाभी ने, अच्छा चाप कैसे आप? बढ़िया एकदम। आपका क्या कहना है सर, दिल से प्यार करना चाहिए? डेफिनेट दिल से करना चाहिए। मेरे बॉस है वो भी मेरे को दिल से प्यार करते हैं। कौन? मेरे बॉस आपको दिल से प्यार करते हैं? हाँ, कोई इतना डांटी देते हैं कि पूछो मत। दिन भर ऑफिस में बॉस की डांटी और घर पे आके बीवी की डांटी। अच्छा, इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है मेरे को। इस गुस्से में फिर आप खाना खाते हैं? अच्छा, शुक्रिया सर। कहाँ से हैं आप? मीरा रोड। अच्छा, मीरा रोड। एसीपी साहब देखिए, अच्छे भले तंदुरुस्त लोग भी रहते हैं, आपको लाशें मिलती हैं। और मेरे का जी जी, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी मैम, आई डोंट एग्री। आप एग्री नहीं है? नहीं, प्यार दिमाग से होना चाहिए, नॉट मतलब? दिल से। तो क्या सोचना चाहिए दिमाग से, मतलब कि क्या क्या चीजों पॉइंटर्स ध्यान में रखने चाहिए? ओके, यू माइट लाइक अ पर्सन, अच्छा लगता है, बट लेटर ऑन कैन आई लिव विथ हिम, कंपैटिबिलिटी, लॉन्ग रन, विल ही टेक मी फॉर कैंडल लाइट डिनर्स, विल ही गिव मी डायमंड्स। तो कैंडल लाइट डिनर सबसे पहले मुझे बताइए, अंधेरे में खाना खाना क्यों अच्छा लगता है आपको? कैंडल लाइट डिनर नहीं मेरे को समझ आया। एक्चुअली पहले जब लाइट नहीं थी तब लाइट लाओ, लाइट लाओ, लाइट आई तो मोमबत्तियां जला जला खाने खा रहे हैं। होटल वालों का तो अच्छा है, उनका बिल नहीं आता। आप 10 रुपए की मोमबत्ती के साथ खाना खाने में 1000 रुपए दे आते हैं। तो इनका कहना है पाजी, अच्छा पाजी विरोध में है कि पक्ष में है आप? मैं दोनों के अगेंस्ट हूँ सर। पाजी कहाँ से आए आप? मैं हूँ तो मोहाली से। अच्छा, बट मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार ये हैं कि प्यार तो अंधा होता ही है। अच्छा, वो तो सबको पता ही है, किया नहीं जाता, हो जाता है। बिल्कुल सर, ठोको ताली। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? प्यार अंधा तो होता ही है, पर जब प्यार होता है तो दिमाग तो आ जाता है घुटनों में जी, और दिल तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाता है जी। सो ये ना दिल का चक्कर है ना दिमाग का चक्कर, ये तो हो जाता है, ये तो हो जाता है, ये तो झुंझुनी होती है और प्यार हो जाता है। कुछ आप विशेष टिप्पणी? आई डोंट अग्री, मैं आपके साथ आई डोंट अग्री। अच्छा, जब भी आप बोलती हैं आई डोंट अग्री, साथ में आप ऐसा क्यों करती हैं? आई डोंट अग्री मैम, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए, जब मैं मिला था अपनी वाइफ को तो ना दिल चला था ना दिमाग चला था। पिछले 2 सालों में कभी वो दिमाग से काम लेती है, मैं दिल से, कभी वो दिल से, मैं दिमाग से ही काम चलता है। बट एक चीज नहीं चलती, दोनों चीजों से काम चलता है। बहुत अच्छे आपने विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते हैं भाजी आप? बड़े मजेदार हैं आप। मैं वकील हूँ। आप जीत सकती हैं उनसे? I rest my case. वो तो दूसरों की तरफ से लड़ने के पैसे लेते हैं, अपनी तरफ से कैसे हार जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब शो में आने के लिए। तो तुम बिन 2 जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, आपके नजदीकी सिनेमाघरों में भी और दूर दूर के सिनेमाघरों में भी आप जाके देख सकते हैं। आशिम, आदित्य, नेहा, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपकी आने वाली जितनी भी फिल्में आप कर रही हैं, जितने भी साइन करने वाले हैं, उन सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। जाने से पहले आई, मेरे पास एक शेर था सिद्धू सर के लिए। अच्छा, उनके पास अपने बड़े हैं। एक सर, तकिया पहले मत फेंकना सर, बाद में फेंकिएगा। नहीं करूँ नहीं, अगर तो 1990 के बारे में बोला ना तो वही कह रहा हूँ सर, पहले मत फेंकिएगा। कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, सिद्धू जी का तकिया उड़ते हुए आ जाता है। लेकिन जब हम याद करते हैं 97 के डबल सेंचुरी की, हमारा सर फक्र से उठ जाता है। अच्छा, ये सेंचुरी कब मारी मेरे को नहीं पता। मैंने वही देखा था, 0 वाला ही। पाजी सिद्धू पाजी हमारे मजेदार तो हैं, असरदार।
आशीम आदित्य नेहा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए. आज जाने से पहले मैं आपके साथ एक सेल्फी लेता हूँ. आइए आप लो फोटो. जो सेल्फी लेता है उसका मुंह बड़ा बड़ा आता है. ये है ना? नहीं 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 वो जो गोल सा उसके बीच में जो है ये इधर इस तरफ. नहीं नहीं नीचे बीच में बीच में. पूरी फिल्म कर ली सेल्फी नहीं लेनी आती. थैंक यू. शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट यार. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू ब्रदर. पाजी आपने बड़ी अच्छी डिबेट की. आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है. आइए आपको मैं एक खूबसूरत सा मोबाइल देता हूँ. चंडीगढ़ जाओगे तो हमें कॉल वॉल करते रहना. शुक्रिया पाजी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. अब वक्त है म्यूजिक इंडस्ट्री से दो धुरंधरों को यहां मंच पे बुलाने का जिन्होंने मराठी सिनेमा से शुरुआत की और आज बॉलीवुड में बेहतरीन संगीत देकर धूम मचा रहे हैं. बड़ी कमाल की जोड़ी है. प्लीज वेलकम मिस्टर अजय एंड अतुल. जी अतुल बाजी आपका हमारे शो में फिर से एक बार स्वागत है. थैंक्स अ लॉट. सर एक बात पूछनी थी ऑडियंस के दिमाग में. आपका हमेशा नाम साथ में लिया जाता है अजय अतुल. तो ये कैसे डिसाइड किया था कि पहले किसका नाम आएगा बाद में? पहले मतलब एज एक्सपीरियंस के हिसाब से कि तोते ने पर्ची निकाली थी? नहीं दरअसल बात ये हुई थी हम दोनों में मैं बड़ा हूँ. अच्छा. दो साल. ओके. तो नेचुरली ऐसा हो सकता था कि वो घर वाले भी हमें बचपन से अतुल अजय करके बुलाते हैं. अच्छा. लेकिन हम लोगों ने सोचा था अजय अतुल राइमिंग बहुत अच्छा लगता है. साउंड्स नाइस. वो साउंड बहुत अच्छा करता है. अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर की निशानी यही है कि हर चीज में देखते हैं कि अच्छा हो पूरा मीटर में आ रहा है तो वेरी गुड वेरी नाइस. आई एम इंप्रेस्ड. आपने इतने लोगों के लिए म्यूजिक किया है जी. तो अब पहली बार आपने लोगों के लिए म्यूजिक किया है. लोगों के लिए. तो ये म्यूजिक बनाते वक्त आपने क्या ध्यान में रखा था? क्योंकि फिल्म में तो आपको सिचुएशन दी जाती है कि आप सलमान खान के लिए गाना बना रहे हैं और ये सिचुएशनल सॉन्ग है, ये रोमांटिक है, ये लोगों ये क्या होता है. हमें सोनी के सारे हेड्स मिलने को आए जी. आशीष था तो उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी. ब्रीफिंग थी वो सारा ब्रीफिंग बताया. लेकिन जो लिखा हुआ जो टैग थे वो टैग में लिखा हुआ था कि हमें फेमिनाइन चाहिए. अच्छा. एक दूसरा चाहिए इपिक. Okay. तीसरा चाहिए हैप्पी. ओके. चौथा चाहिए इंडियन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पांचवा चाहिए ग्रैंजरस जी. और ये सब चाहिए हमको 5 सेकंड में. 5 सेकंड में. 5 सेकंड क्योंकि वो ज्यादा बजेगा. हाँ, राइट. और ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड. सो मेलोडी ऐसी हो जो छोटी सी हो. सुने हुए सबने सबको पसंद आनी चाहिए. हाँ, पहली बार सुने तो सबको पसंद आए. वो सारा बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था. वो चैलेंज था एक्चुअली. हाँ. लेकिन उसके पीछे भी वो जो चीज थी कि ये जो 5 सेकंडर है 15 सेकंडर है वो आप आने वाले कम से कम 5 साल तो सुनेंगे. बिल्कुल. तो वो बिल्कुल बहुत ही कैची होना चाहिए. वो बहुत ही मेलेडिक होना चाहिए. तो वो बड़ा चैलेंजिंग था. बहुत ही कमाल का म्यूजिक बनाया सर आपने. आपको बहुत बहुत मुबारक. भाजी आपको पता है जब पूरी टीम अच्छा काम करे सालों की मेहनत का फल बहुत अच्छा है तो जो टीम का लीडर होता है उसके मन में क्या चल रहा होता है? उसके मन में यही चल रहा होता है कि प्रगति जो है वो जीवन की निशानी है और प्रगति की निशानी है विस्तार जी, फैलाव. तो सोनी के बारे में अगर चंद लाइनें कहनी हो तो उदास अंधेरे मिटा के खुशियों को उजागर कर दिया. बन गया परिवार का हिस्सा. तुझ पे दिल न्यौछावर कर दिया. 21 साल पहले इसने रखा था टेलीविजन में पहला कदम. लोगों ने इतना प्यार दिया कि गागर को महासागर. क्या बात है. तो चलिए देखते हैं इस खुशी के मौके पे हमारे टीम लीडर जो हैं एनपी सर उनका क्या कहना है. थैंक यू कपिल. सोनी से जुड़े सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं. जैसा कि कपिल ने कहा आज का दिन बहुत स्पेशल है. आज सोनी 21वें साल में प्रवेश कर रहा है. 21वें साल की बात ही कुछ और होती है. मन में जोश, आंखों में सपने और कुछ करने का जज्बा होता है. इस 21वें साल में आप सोनी के नए रंग, नए अंदाज और नए संगीत के साथ सोनी की एक नई कल्पना भी देखेंगे.
हमें यकीन है जब हम रिश्तों को साझेदारी में बदलेंगे तभी हम, हमारा परिवार, हमारा समाज सही मायनों में तरक्की कर पाएगा। आने वाले समय में इसी विश्वास को आप हमारे किरदारों में और हमारी कहानियों में भी देखेंगे। आई एम श्योर सोनी के इस रूप से हमारा रिश्ता और गहरा होगा, हमारी साझेदारी और भी पक्की होगी। तो कपिल, दिखाएं दर्शकों को सोनी का नया रूप। थैंक यू सो मच सर। अजय अतुल इस मंच पे मौजूद हैं, सोनू निगम भी यहाँ हैं, सोनी टीवी के तकरीबन जितने शोज हैं सबकी स्टार कास्ट यहाँ पे है, सारा परिवार यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मंच पे आए और हम सब मिलके, करोड़ों दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सही वक्त है कि उस नई चीज को, नई पहचान को, नए चेहरे को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में लॉन्च किया जाए। तो सोनी परिवार के सारे सदस्य इस समय मंच पे मौजूद हैं और सोनी का नया लोगो आपके सामने आ रहा है। नाउ द काउंट डाउन बिगिंस। सब लोग मेरे साथ मिलके हम लोग गिनती करेंगे और लोगो जो है वो लॉन्च होगा। 5, 4, 3, 2, 1। ये है आपके सामने सोनी टीवी का नया अंदाज। एक बार जोरदार तालियां। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस लोगों के थीम म्यूजिक को जो कंपोज किया है अजय अतुल जी ने और थीम सॉन्ग को सोनू निगम जी ने और श्रेया घोषाल ने गाया है। श्रेया आज किसी कारणवश हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन सोनू बाजी यहाँ मौजूद हैं, तो हम चाहते दो लाइनें जरा हो जाए। चल गीत गाए हम एक नया सा, एक सुर हो तेरा एक सुर मेरा बांसुरी हो, चल हम बनाए कल एक नया सा, एक लम्हा तेरा और एक मेरा रोशनी हो। रिश्तों ने की है एक थी गुजारिश, रिश्ता लिखेंगे हम नया। रोशन हुई रात है, तूफान का डर हमको नहीं, अब तो तेरा साथ है। लहरों से कह दो तैयार है हम, एक जिद है तेरी एक जिद है मेरी, कह दो हवा मेरा। रिश्तों ने की है मीठी गुजारिश, रिश्ता लिखे गए हम नया। Oh!
हो तेरा एक सुर मेरा बांसुरी हो। चल हम बनाएं कल एक नया सा, एक लम्हा तेरा और एक मेरा रोशनी हो। रिश्ता ने की है मीठी गुजारिश, रिश्ता लिखेंगे हम नया। तो क्या ये एक दिन में अढ़ाई दिन जिएगा? एक रात में अढ़ाई रात जगेगा। 100 वर्ष आयु में जो कोई योद्धा ना कर सका, ये अपनी अल्पायु में करेगा। पिता तलवार, ढाल है माता, ये है बालक से बाजीराव बनने की गाथा। पेशवा बाजीराव का शुभारंभ शीघ्र सोनी पर। चल गाएं फिर से गीत वही जो अब भी दिलों में ठहरे हैं, चल छेड़े फिर से साज वही जो लगते बड़े सुनहरे हैं,
चल राजस्थान की सरगम से फिर सिक्किम को महकाएं, फिर केरल की आंखों में पंजाब के सपने लहराएं, कश्मीर की ममता खुद को फिर बिहार पिछलकाए, फिर गुजरात की आवाजें बंगाल के कानों तक जाए। कोई भी गाए गीत यहाँ, असर हर एक पे छोड़ता है। मंच नहीं, ये रिश्ता है जो भारत को भारत से जोड़ता है। महसूस करें चल उस पल को जब भेदभाव मिट जाता है, एक पल में जब कोई अजनबी सबके दिल में बस जाता है। जब बस एक की जीत पर पूरे देश में जलसा होता है, सुर संगीत का वो धागा जो सबको साथ पिरोता है, जात पात प्रांत देश इन सीमाओं को तोड़ता है। मंच नहीं, ये रिश्ता है जो भारत को भारत से जोड़ता है। Vivo Camera and Music presents Indian Idol, go part by KUV 100. 24 दिसंबर से शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ सोनी पर। For more updates, subscribe to our channel.